नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी का भाग दो लेकर आए हैं, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना, और जो 12 अनुसूचियाँ हैं इनके बारे में जानेंगे, और आपका भाग एक। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है भारतीय संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना। इसको आप 100 SDR से याद रख सकते हैं। 100 का मतलब सोवर्जन यानी के प्रभुत्व संपन्न, और दूसरे 100 का सोशलिस्ट समाजवादी, और S का सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, और D का डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, और R का रिपब्लिक गणराज्य। ठीक है, और आप ये भी याद रखें, जलेफी, जे फॉर जस्टिस न्याय, एल फॉर लिबर्टी बोलने की स्वतंत्रता, ई फॉर इक्वलिटी समानता, एफ फॉर फ्रेटर्निटी बंधुता, और आई फॉर इंटीग्रिटी अखंडता। ठीक है, और न्याय सामाजिक राजनीतिक आर्थिक, ये सब रूस से 1917 में लिए गए थे। आगे देखते हैं, ये आपको स्टार बनाकर ध्यान रखना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, और हमारे संविधान सभा में वैधानिक जो सलाहकार थे वो बी एन राव जी थे, और 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बने बी आर अम्बेडकर जी बने, और इन्हें संविधान का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे। डी पी खातियान जी, इनकी संविधान बनने से पहले ही मृत्यु हो गई थी, इनके स्थान पर टीटी कृष्णाचारी आ गए थे, और जो दूसरे थे बी एल मित्तर जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इनके स्थान पर माघव राव जी आ गए थे। फिर मोहम्मद सादुल्ला जी और गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। आगे देखते हैं, संविधान बनाने में कितना समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये भी ध्यान रखिए। और कितनी धनराशि लगी थी, ये लगी थी आपकी 6.4 करोड़ रुपए। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। इसी तिथि को विधि दिवस भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, 284 लोगों ने। 42वें संविधान संशोधन से पहले प्रस्तावना की प्रकृति क्या थी, ये थी संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे, बलवंत राय मेहता जी ने। दोस्तों, ये मैंने आपको पहले बताया था, जो 80% 1935 एक्ट है, इसमें 20% ही भारत का है, बाकी सब कट कॉपी पेस्ट है। जिस समय हमारा संविधान बना, उस समय लिखित संविधान किसका सबसे बड़ा था, ये था यूगोस्लाविया का। ठीक है, और अभी फिलहाल भारत का है, ये भी ध्यान रखें। संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, जिसे गणतंत्र दिवस कहा गया। भारतीय संविधान का स्वभाव कैसा है, लचीला ज़्यादा और कठोर कम, और अमेरिका का कठोर ज़्यादा लचीला कम। मतलब लचीला उसे कहते हैं जिसमें ज़्यादा संशोधन होते हैं और परिवर्तन होते हैं, और कठोर यानी कि जिसमें संशोधन या परिवर्तन नहीं होता। आगे देखते हैं, अमेरिका का संविधान कब बना था और इसमें कितने संशोधन किए गए। अमेरिका का संविधान 1789 में बना था और इसमें अभी तक 19 संशोधन हुए, जबकि आपके भारत में काफ़ी ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान जब बना उसमें 8 अनुसूची 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे, और इसमें अभी फिलहाल जो है 12 अनुसूची है और 25 भाग हैं, और 450 अनुच्छेद से ज़्यादा है, यानी कि 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, और गूगल के अनुसार 448 है। आगे देखते हैं, आगे आती है आपकी अनुसूचियाँ। दोस्तों, टोटल अनुसूची 12 है। आज इस वीडियो में हम 12 की 12 अनुसूची पढ़ेंगे। अनुसूची एक क्या कहती है, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची या नाम। भारत में केंद्र शासित प्रदेश असंवैधानिक है, ये ध्यान रखिए। और अनुसूची 2, इसमें सभी के वेतन आते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, महालेख प्रशिक्षक या कैग, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन।
ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों ये ध्यान रखना है सभी के वेतन संसद ही निर्धारित करती है। इसमें आगे देखते हैं, अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी कहा जाता है और सॉलिकिटर जनरल जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है, इनका जो वेतन होता है उसे निर्धारित राष्ट्रपति करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके वेतन को रिटेनर कहा जाता है। महान्यायवादी किसी भी सत्र में बैठ सकता है, यह देखने के लिए कि संविधान का पालन भारत में सही से हो रहा है या नहीं। तीसरी अनुसूची में क्या आता है? तीसरी अनुसूची में आता है मंत्रियों को शपथ दिलाना। आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से पद पर शपथ नहीं दिलाई जाती। दोस्तों लोकसभा स्पीकर को कभी भी शपथ नहीं दिलाई जाती। आगे आता है आप चार, इसमें लिखा है राज्यों से राज्यसभा के सदस्यों के बारे में, किसी राज्य से कितने सदस्य होंगे, ये जनसंख्या 1971 के आधार पर निर्धारित होगी और 1971 से 2026 तक को लॉक कर दिया गया है, यानी कि अभी भी 1971 के आधार पर ही सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। आगे आती है अनुसूची पांच, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रावधान है। आगे आती है अनुसूचित छः, इसमें उत्तरी पूर्वी राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। जैसे सामान्य और विशेष दो भागों में बांटा है, सामान्य में हरियाणा और विशेष में उत्तरी पूर्वी जैसे नागालैंड। हरियाणा में 80% गवर्नमेंट फंड है और 20% सेंट्रल गवर्नमेंट, और नागालैंड में या उत्तरी पूर्वी राज्यों में 80% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 20% स्टेट गवर्नमेंट का। आगे देखते हैं अनुसूचित सात, इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये प्रश्न बन सकता है कि केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्त सूची कौन से अनुसूची में आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है अनुसूचित सात में आते हैं। ठीक है, केंद्र सूची में इसमें वो राज्य आते हैं, यानी कि वो विषय आते हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची जो होती है इसमें वो विषय आते हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और अगला आता है संवर्ती, इसमें वो विषय आते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर आपके अनुच्छेद 249, 250, 252 आ जाते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है 249 के अनुसार, यदि राज्य ही केंद्र को विषय दे और विषय महत्वपूर्ण हो तो केंद्र कानून बनाएगी, और 250 के अनुसार यदि राज्य में आपात लगा हो उस विषय पर भी केंद्र का ही कानून होगा, और अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि एक राज्य से ज़्यादा राज्य के लिए विषय महत्वपूर्ण हो तो भी केंद्र का ही कानून होगा। आगे आपकी आती है अनुसूची आठ, इसमें संविधान की भाषाओं का वर्णन दिया गया है, जिसमें बेसिक लैंग्वेज 14 है और मॉडर्न 22। जिस भाषा में इतिहास या व्याकरण हो वो अनुसूची में जुड़ सकता है। कहने का मतलब है जिस भाषा का इतिहास हो या उसमें व्याकरण हो तो वो अनुसूची में जोड़ी जा सकती है। तीसरा पॉइंट अनुसूची आठ का, 14 भाषाओं के बाद जो जोड़ी गई भाषाएं हैं वे निम्न है, ये आपको सभी ध्यान रखनी है, काफ़ी बार पूछी गई है। जैसे 21वां संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई, और आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ी गई, और 92वां संशोधन जो कि 2003 में हुआ था इसमें मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली जोड़ी गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को इसे नोट कर ले, 368 के अंदर रखा गया है, 368 के अनुसार ही संविधान संशोधन प्रक्रिया होती है। पहले संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के खिलाफ व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता, लेकिन 1973 में वाई के सबरवाल नाम के व्यक्ति ने अदालत में केस डाला, जिसके फलस्वरूप 24 अप्रैल 1973 से भूमि सुधार के लिए व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। अनुसूची 10 कहती है, यह 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई, जिसे राजीव गांधी के द्वारा जोड़ और दल बदल पर रोक लगी। और 11वीं अनुसूची क्या कहती है, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 12वीं अनुसूची क्या कहती है, 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ये अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। आगे आपका आ जाता है भाग, जिसमें आज हम केवल भाग एक पढ़ेंगे,
ये भी प्रश्न बनता है। भाग एक में कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से 4 तक, और संघ एवं राज्य की बात इसमें है। इसमें अनुच्छेद भी आपके कुछ आज कवर हो जाएंगे। देखते हैं अनुच्छेद 1 क्या कहता है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 जो कि इम्पोर्टेंट है, भारत में नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, नए राज्यों का जन्म, उनके नाम और सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 1, 2, 3 को बदल सकते हैं। ठीक है, आगे ही इसमें आपका आता है राज्यों का गठन, जिसमें तेलुगु भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, और आज़ादी के बाद 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसमें फिलहाल हाल ही में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तीसरा पॉइंट आता है 1 नवंबर 1956 से आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा का आधार पर बना, यानी कि आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर बना, और अगला राज्य केरल बना, मालाबार कोचीन त्रिवेंचोर को मिलाकर। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, ये इम्पोर्टेंट है, 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ दिया गया या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। छठा पॉइंट क्या है आपका, दमन और द्वीप बनाया गया 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। 7वां 1 मई 1960 को गुजरात राज्य बना, ये नोट कर लिया आप, इसे बनाने में कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया। और आपका 8वां पॉइंट कहता है 13वें संविधान संशोधन 1963 में नागालैंड राज्य बनाया गया, इसके कुछ आगे भी है। 9वां पॉइंट 1 मई 1966 में MB शाह कमेटी आई, जिसने पंजाब को 3 भागों में बांटा, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य बनाया गया, और 27वें संविधान संशोधन 1972 में 3 राज्य बनाए गए, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 12वां पॉइंट 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, और 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और गोवा 25वां राज्य बना। 54वें संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश राज्य बना, ठीक है, जिसमें इसका पुराना नाम नेफा था, नेफा की फुल फॉर्म थी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ असम। अगला पॉइंट देखते हैं 15वां, 56वें संविधान संशोधन में गोवा राज्य बनाया गया, और 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी की स्थापना की गई। 84वें संविधान संशोधन 2000 में 3 राज्य बनाए गए, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ बना MP से अलग होकर, और आपका 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड बना UP से अलग होकर, और आपका 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनाया गया बिहार से अलग कर। इसके बाद 18वां और लास्ट पॉइंट, BN कृष्णा कमेटी के द्वारा 29वां राज्य जो बना, ये 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया। इसकी जो पहली राजधानी थी ये विजयवाड़ा थी, और 10 साल बाद इसको अमरावती कर दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को लाइक करें, शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको इसी तरह की अच्छी वीडियो उपलब्ध कराते रहे। धन्यवाद।